कल के दिन में नानपारा क्षेत्र के जो तहसीलदार हैं उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना नानपारा पे दिया गया था। उनके चेंबर में आके मिस्टर दिलीप वर्मा और उनके साथियों ने अभद्रता की है। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके उपरांत जो घटना थाने व थाना परिसर के अंदर हुई है उस संबंध में भी जो क्षेत्राधिकारी हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पे आम रास्ता है, जो रोड है, उसको जाम किया गया, दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई उस संबंध में भी, क्योंकि ये विधि के विरुद्ध सब ये कार्य हैं, उसके ऊपर भी मुकदमा अलग से दर्ज किया गया है। इस विवेचना में विवेचक नियुक्त कर दिए गए हैं, वो अपनी विवेचना उन्होंने स्टार्ट कर दी है। इसमें सभी साक्षी या साक्ष जो भी हमारे सामने आ रहे हैं उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। बहुत सी वीडियोज़ हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा बनाई गई हैं, उनको भी हम संज्ञान में ले रहे हैं। वीडियोस में ये भी पहचान की जा रही है कि जिन लोगों को अज्ञात में लिखवाया गया, कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनके जो कृत थे वो विधि के विरुद्ध थे, कानून के विरुद्ध थे, उन सब की पहचान की जा रही है वीडियो के आधार पर। इसमें 3 टोटल मुकदमे दर्ज हुए हैं। तहसीलदार साहब की तरफ से जो मुकदमा है वो सरकारी कर्मचारी पे सरकारी कार्य में बाधा डालने व अन्य धाराओं में और SC/ST में दर्ज किया गया है। CO साहब द्वारा भी जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें भी सरकारी कर्मचारी के सरकारी कार्य में बाधा डालने में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में और रोक जाम का मुकदमा दर्ज किया गया। धन्यवाद।